सफ़ेद मिर्च से सिर दर्द का इलाज। मैं डॉक्टर रणबीर शर्मा पानीपत से एग्जैक्ट आयुर्वेद चैनल के माध्यम से आज के टाइम में एक विडंबना है कि रोग जो भी किसी को अगर हो जाता है तो वो जल्दी से ठीक होने में नहीं आता। उसका कारण है कि आज की साइंस ना तो रोग के सही कारण पे जा पाती है, और जब वो कारण पे नहीं जा पाती है तो वो उसके सही इलाज पे भी नहीं जा पाती। तो इसमें एक सिरदर्द भी एक सामान्य रूप से देखा जाता है कि लगभग अगर मैं कहूँ कि हर घर में हर परिवार में ज़्यादा नहीं तो 80% लोगों को रूटीन में सिरदर्द रहता है। उन्होंने ये अपना एक भाग्य मान लिया कि भाई ये तो दर्द सिरदर्द तो रहेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। कोई एनाल्जिन गोली खा लेता है, कोई सेरेडोन खा लेता है, कोई और खा लेता है, कोई और कॉम्बिफ्लेम खा ली कभी नहीं खाई, सिर बांध लिया, कभी नींद आने से ठीक हो गया, कभी खाना खाने से ठीक हो गया, कभी नहीं हुआ तो अपना चलता रहा, भुगतते रहे, और एक आदत सी बन गई है। और बहुत सारे लोगों को सिरदर्द होते हुए भी ऐसा लगता नहीं कि इसको सिरदर्द है, क्योंकि उसका वो हैबिचुअल हो चुका है। जबकि हमारी रसोई के अंदर सिरदर्द का बहुत अच्छा इलाज होता है। हमारी रसोई में एक मसाला होता है काली मिर्च। काली मिर्च को अगर हम 1 ग्राम की मात्रा में शहद मिला के ले लें तो काफ़ी हद तक हमारा सिरदर्द ठीक हो सकता है। लेकिन इसका एक विशेष जो प्रोडक्ट है काली मिर्च का, वही होता सफ़ेद मिर्च। तो सफ़ेद मिर्च जो है उसमें एक विशेषता होती है कि उसके अंदर जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। वो काली मिर्च का एक किस्म से सत्व होता है, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट समझिए उसको। तो अगर हम सुबह 4 बजे नींद से उठ के 1 से 1.5 काली मिर्च, 1 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच खांड अगर इसको खा के हम 2 घंटे के लिए सो जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 80-90% केसेस में सिरदर्द जड़ मूल से चला जाएगा। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का फायदा उठा के बड़े बड़े रोगों से लड़ा जा सकता है, बड़े बड़े रोगों को मात दी जा सकती है। ये आप लोग इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। और आपको एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि और लोग भी हमारे इस आयुर्वेदिक ज्ञान का फ़ायदा उठा सकें।